हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंजर्स किचन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ जो कि है मूंग दाल कचौरी, और ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है। चले अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले जो लगेगा हमें वो है 1 कप मूंग दाल, जिसको हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। उसके बाद हमको जो नेक्स्ट लगेगा वो है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक और हिंग, सौंफ, धनिया और जीरा। और नेक्स्ट जो है वो है हरी मिर्ची और लहसुन। और उसके बाद हमको 500 ग्राम मैदा ले लेना है एक बाउल के अंदर। उसके अंदर नमक ऐड करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और उसके बाद मैदे के अंदर 2 चम्मच ऑयल भी ऐड करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर अजवाइन ऐड करना है, फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मम्मा कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से उसको मिक्स करना है कि वो ऑयल और मैदा जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और किस इस तरीके से हो जाए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस मैदे को पूरा मिक्स करने के लिए 1 ग्लास से कम पानी लगता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिए, ज़्यादा ना डालिए। और कुछ इस तरीके से मैदे को रेस्ट होने के लिए रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। और नेक्स्ट जो आपको करना है वो है, एक कढ़ाई में देसी घी या तेल भी ले सकते हैं। उसके बाद जीरे को डालना है, उसको अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो इसमें ऐड करना है वो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, और उसको भी अच्छे से भून लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो मम्मा कर रहे हैं। और उसके बाद जो मसाले हमने स्टार्टिंग में बताए थे, उनमें से नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना है, जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो में। और हमने जो 1 कप दाल लिया था उसको हल्का सा गला लेना है, ज़्यादा भी नहीं गलाना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें पानी ऐड करना है, जैसा कि आप देख सकते हो। और उसके बाद दाल को ऐड कर लेना है, और दाल को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि पूरे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें ऐड करना है वो बाकी के जो मसाले हैं, जो सौंफ, धनिया और ज़ीरा जो है वो भी ऐड कर देना है इसमें। सौंफ, धनिया और ज़ीरा को दरदरा पीसकर इसमें ऐड करना है, और उसको नेक्स्ट जो है हमें मैशर से अच्छे से मैश करना है, ताकि इसमें का पूरा पानी सोख जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो मम्मा कर रहे हैं। कुछ इसी तरीके से आपको भी मैश करना है, या आपके पास मैशर नहीं भी हो तो दाल घोटनी से भी कर सकते हैं, या किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से होने के बाद दाल को अच्छे से नीचे नहीं लगने देना है, नीचे लग जाएगा तो इसमें जलने की बो आएंगी, तो टेस्ट पूरा इसका ख़राब हो जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नवे हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और जो हमारे जो बाकी की जो सूखे मसाले रह गए थे, अब हम उन्हें भी ऐड करते हैं। और मैंने इनकी क्वांटिटी बताना भूल चुका हूँ, इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कितना कितना सब लगेगा, तो आप जाकर पहले देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके से पूरे बैटर का पानी सुखा लेना चाहिए, और इसको कॉन्स्टेंटली मिलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर नीचे नहीं लगना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा हरा धनिया डालना है, और फिर इसे मिक्स और करना है। और फिर इसके बाद इसको नेक्स्ट जो आपको करना है वो एक कंटेनर में निकाल लेना है, और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि आपने जो मैदा रेस्ट के लिए रखा था, अच्छे छोटे से बॉल बना लेना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते। अगर आपको बड़ी कचौरी पसंद है तो आप बड़ा भी बॉल बना सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपको जो करना है वो स्टफिंग को एक राउंड शेप में बना लेना है, और जो आपको मैदा लिया था उसके अंदर कुछ इस तरीके से रखकर इसको पैक कर देना है। इसके एजेस को अच्छे से पैक करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं मम्मा कर रहे हैं। इसके एजेस अच्छे से आप पैक करोगे तो आपकी कचौरी फूटेंगी नहीं, और जो एक्स्ट्रा मैदा रहेगा कुछ इस तरीके से उसको निकाल लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और जब आप इसको पूरा बंद कर देंगे तो ये जो साइड है ना उसकी, तो उसको नीचे ऐसा लेकर दबा देना है,
जैसा कि मम्मा बता रहे हैं वीडियो में, और कुछ इस शेप में उसको बना लेना है। और आपको कुछ अगर इससे बड़ा साइज पसंद है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। ये मीडियम साइज है तो ये खाने में भी अच्छा दिखता है और एक इंसान के लिए सफिशिएंट भी रहता है। तो आपको जो नेक्स्ट इसमें करना है वो ये है। और नेक्स्ट आपको इसमें ये करना है कि आप पानी भी लगाकर इसको पैक कर सकते हैं, क्योंकि मम्मा को एक्सपीरियंस बहुत है कुकिंग में, तो मम्मा ने वैसे ही डायरेक्टली कर लिया था। अगर आप चाहते तो आप पानी भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी अभी 50% कचौरी बन के तैयार हो गई है। और आप इस चैनल पर नवे हो किंजास किचन पर, तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम बहुत डिलीशियस रेसिपी डालते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये कचौरी की स्टफिंग बच गई है तो आप इसको डीप फ्रोजन भी करके रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट करना है वो है एक कढ़ाई में तेल को ले लेना है और उसको हल्का गर्म रखना है। और उसके बाद कचौरी कुछ इस तरीके से उसमें डालना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जो कॉर्नर्स हमने दबाए थे वो हिस्सा नीचे रहना चाहिए ताकि हमारी कचौरी फूटे ना। और उसको एकदम लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक उसको फ्राई करना है जैसा कि आप देख सकते हो। अगर आप इसको फुल फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगी और इसमें थोड़ा जलने का मज़ा भी आएगा। और आपको कुछ इस तरीके से उसको निकाल लेना है ताकि पूरा उसका तेल जो है वो नीचे ही रह जाए। और ये आपकी राजस्थानी स्टाइल में कचौरी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही डिलीशियस है आप जैसा कि देख सकते हो। और इसके साथ ये दो जो चटनी है, एक है पुदीने की चटनी और इमली की चटनी, इसकी रेसिपी भी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और क्रिस्पी हमारी कचौरी बनकर तैयार है। कुछ इस तरीके से आप भी बनाइए, खाइए और हमारे साथ भी शेयर कीजिए कि कचौरी कैसी बनी। अगर आप इस चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। एंड गाइस प्लीज़ विजिट आवर चैनल, क्योंकि चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज़ है जो कि बहुत डिलीशियस है। स्वीट्स रेसिपी है, भजिया है, बहुत सारी रेसिपीज़ है, आप जाकर एक बार चेक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।